विजया एकादशी व्रत कथा। द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर को फाल्गुन एकादशी के महत्व के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने अपनी शंका भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट की। भगवान श्री कृष्ण ने फाल्गुन एकादशी के महत्व और कथा के बारे में बताते हुए कहा, हे कुंती पुत्र, सबसे पहले नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से फाल्गुन एकादशी व्रत की कथा व महत्व को जाना, जिसे विजया एकादशी कहते हैं। इसके करने से अपराजित व्यक्ति होता है, यानी उसे कोई हरा नहीं सकता, उसे विजय प्राप्त होती है। मैं वो कथा तुम्हें बताता हूँ, जब त्रेता युग में भगवान श्री राम माता सीता के हरण के बाद रावण युद्ध करने के लिए सुग्रीव की सेना को साथ लेकर लंका की ओर प्रस्थान किया, तो लंका से पहले विशाल समुद्र ने रास्ता रोक लिया। समुद्र में बहुत ही खतरनाक जीव जंतु थे, जो वानर सेना को गहरी हानि पहुंचा सकते थे। चूँकि श्री राम मानव रूप में थे, इसलिए वह इस गुत्थी को उसी रूप में सुलझाना चाहते थे, विष्णु रूप की सहायता नहीं ले सकते थे। संगम से साधुओं का काशी, उन्होंने लक्ष्मण से समुद्र पार करने का उपाय जानना चाहा, तो लक्ष्मण ने कहा, हे प्रभु, वैसे तो आप सर्वज्ञ हैं, फिर भी यदि आप जानना चाहते तो मुझे भी स्वयं इसका कोई उपाय नहीं सूझ रहा, लेकिन यहाँ से आधा योजन की दूरी पर बल वक्दलभ्य मुनि निवास करते हैं, उनके पास जाकर कुछ ना कुछ उपाय हमें अवश्य मिल जाएगा, ऐसी आशा है। फिर क्या था, श्री राम उनके पास पहुँच गए, उन्हें प्रणाम किया और कहा, अपनी तपस्या उनके सामने रखते हुए विनती की। तब मुनि ने उन्हें बताया, फागुन मास की कृष्ण एकादशी को आप समस्त सेना सहित उपवास रखें, आप समुद्र पार करने में कामयाब होंगे। साथ ही इस उपवास से मुनि वक्दलभ ने बताया कि विधि पूर्वक करने से आपकी सेना युद्ध को जीत जाएगी और सेतु भी बन जाएगा, रावण हार जाएगा। विधि सुनने के बाद सेना सहित भगवान राम ने विजया एकादशी का व्रत किया, जिसके बाद भगवान ने विजय श्री प्राप्त की, इसीलिए इसे विजया एकादशी कहते हैं। विजया एकादशी की पूजा विधि। मुनि वक्दलभ्य ने जो विधि भगवान श्री राम को बताई वह इस प्रकार है। एकादशी से पहले दिन दशमी को एक वेदी बनाकर उस पर सप्तधन रखें, फिर अपनी क्षमता अनुसार सोने चांदी तांबे या अष्टधातु मिट्टी का कलश रखें। एकादशी के दिन पंचपल्लव कलश में रखकर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें, प्रणाम करते हुए धूप दीप चंदन फल फूल तुलसी आदि से श्री हरि विष्णु की उपासना के साथ साथ कथा का पाठ करें। रात्रि में हरि नाम का जागरण भजन कीर्तन करते हुए हो सके तो सामर्थ्य अनुसार दान दें। तत्पश्चात व्रत का पारण करें। व्रत से पहले रात्रि में स्वास्थ्य भोजन ग्रहण करें, ब्रह्मचार्य का पालन करें। इस प्रकार विधि पूर्वक उपासना करने से कठिन हालातों में भी विजय श्री प्राप्त होती है। एकादशी व्रत में कई नियम हैं। सबसे पहले भगवान विष्णु को नमन करते हुए उस दिन चावल न खावें, लहसुन और तामसिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। तामसिक आहार से सर्वथा दूरी बनाए रखें। भगवान विष्णु का ध्यान कर दिन की शुरुआत करें। ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान विष्णु की भक्ति में लगाएं। अगर सेहत साथ ना दे या कोई बीमारी हो जिसमें नुकसान हो सके तो व्रत ना करें, केवल नियमों का पालन करें। एकादशी के दिन चावल और भारी भोजन ना खाएं। दशमी के दिन उपासना पूजा पद्धति का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु को नमन करते हुए 16 फरवरी को एकादशी का व्रत अवश्य करें। 16 फरवरी सुबह 5:32 से एकादशी शुरू होगी और 17 फरवरी 2:49 यानी भोर
में एकादशी खत्म होगी। इसका श्रेष्ठ फल समस्त कष्टों से छुटकारा दिलाने में सक्षम है। अगर आप व्रत का पारण कर रहे हैं तब दान करें, लेकिन किसी के दबाव में नहीं। ऋण लेकर दान करने की जरूरत नहीं है, अपने सामर्थ्य अनुसार दान करें। दान वही है जो स्वेच्छा से और अपनी बचत मेहनत की कमाई से करें। जो भी वस्तुएं दान में दी जाएं वो उत्तम क्वालिटी की हों और दान में पैसा वगैरह ना दें, साथ में मांस मदिरा वस्तु आदि ना दें तो बहुत अच्छा रहेगा। पैसे की गलत पदार्थों में उपयोग होने की आशंका रहते हुए पाप के भागी बन सकते हैं। यानी पुण्य के लिए आप विष्णु भगवान की सेवा करते हुए अपनी इच्छा अनुसार उचित दान प्रदान करें और विष्णु भगवान को नमन करते हुए कथा कहानी कहें और सुने। भगवान सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जय विष्णु भगवान।